बिहार विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। राष्ट्रीय कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें हमारे काल का विधानसभा के जो माननीय विधानसभा सदस्य थे श्री प्रदीप चौधरी जी, उनको 3 साल के लिए कन्विक्ट किया है और उनके साथ 14-13 और लोग थे। उसकी जो प्रति है वो ADA सोलन के द्वारा, जो अपने नालागढ़ के द्वारा उनको भेजी गई है, मुझे आई थी, तो उसके मुताबिक जो जजमेंट आई है वो जजमेंट की कॉपी भी आ गई है और उस जजमेंट के अनुसार यहाँ विधानसभा के नियमों के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक 2013 की जजमेंट है उसके आधार पर जो कालका विधानसभा की सीट है उसको खाली घोषित किया गया है, क्योंकि उस जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ही कोई भी विधायक या MP कन्विक्ट होता है उसी टाइम उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। तो उसी दृष्टि से प्रदीप चौधरी जी की जो सदस्यता है वो खत्म हो चुकी है, जिसकी जानकारी आज सभी कंसर्न जो अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे इलेक्शन कमीशन है या बाकी के जो हरियाणा इलेक्शन कमीशन है या जहां भी इसकी जरूरत है वो आज हम भेज रहे हैं। मैं समझता हूं कि जजमेंट जो आई है उसके अंदर कोर्ट ने काफी गंभीर उसके अंदर वो लगाए हैं, हमें उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केवल इतना है कि हमारे जो मतलब का है, जो विधानसभा के कंसर्न है, वो ये है क्योंकि उनको 3 साल की सजा हुई है तो उस कारण उनको ये सीट जो है कालका विधानसभा जो आज से खाली घोषित हो गई। अब वो विधायक नहीं है कि नहीं, नहीं। अब उनका नहीं। ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का 2013 का और नालागढ़ कोर्ट का भी फैसला है, उसके आधार पर इसके अंदर मैं आपको दे रहा हूँ, हाँ मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द कन्विक्शन ऑफ श्री प्रदीप चौधरी मेंबर हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर सेक्शन 143, 341, 147, 148, 353, 332, 324, 435, रेड विद सेक्शन 149 ऑफ द इंडियन पेनल कोड एंड 3(4) ऑफ द PDPP एक्ट बाय द कोर्ट ऑफ श्री जितेंद्र कुमार जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर 2 नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट सोलन HP इन पुलिस चलान केस नंबर 1254 ऑफ 2013 क्रिमिनल केस नंबर 30/2 ऑफ 2013 टाइटल्ड स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेज महेश कुमार एंड अदर वाइड जजमेंट ऑर्डर डेटेड 14/1/2021 श्री प्रदीप चौधरी रिप्रेजेंटिंग द कालका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हरियाणा स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द हरियाणा विधानसभा फ्रॉम द डेट ऑफ 2021 इन टर्म ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 191(1)(e) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेड विद सेक्शन 8(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट।
तो ये थे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदीप चौधरी कन्विक्ट है, इसलिए कालका विधानसभा सीट खाली हो चुकी है और उनका जो विधानसभा का पद था, विधानसभा के सदस्य थे, तो वो सदस्यता रद्द की जाती है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी है आपकी ताकत।